बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के लिए ठीक ठाक हूँ। और जी इसके साथ ही आज मैं क्या बना रही हूँ, नाम बता दें जरा क्या बना रही हूँ। चिकन पुलाव। सही कहा जी, आज हम चिकन यखनी पुलाव बना रहे हैं। चिकन यखनी पुलाव कैसे बनाते हैं वो रेसिपी आज आपसे शेयर करने लगी हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और जी जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यखनी बनानी है। यखनी के लिए मैंने सबसे पहले इसमें जो है पतीले में लेने मैंने कढ़ाई में लिया है, पानी लिया है, और भी उसके साथ ही मेरे पास ये चिकन है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले अपना चिकन डाल देंगे। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया चिकन, ये है मेरे पास सूखा लहसुन, इसके 3 से 4 जबे हैं वो मैं डाल दूंगी। और जी अब मेरे पास है साबित प्याज, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब जी आ जाते हैं हम मेन हम खुश्क इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो हमने इसमें डाले हैं इनके खुश्क मसाले। उसमें सबसे पहले बड़ी इलायची जाएगी, उसके बाद जाएगी दालचीनी ये 1 से 2 टुकड़े, और उसके साथ जाएंगी जी क्लॉव यानी कि उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, मैं भूल गई हूँ। ये है मेरे पास ब्लैक पेपर, जैसे अच्छा उनका नाम है, हाँ जी उनको लौंगे कहते हैं। लौंगे मैंने डाल दिए, इसमें जीरा चला गया, बड़ी इलायची और दालचीनी, और जी उसके साथ ही और जी हमने यखनी अपनी जो है चढ़ा दी है, हमारी यखनी बन दी है। इतनी देर में शॉपनर को वॉश कर दी तो धो देती है। ये देखिए हमारी यखनी जो है बिल्कुल रेडी होने के करीब ही है, और जी आज बहुत प्रॉब्लम हो गई है, हम जो ब्लॉग शूट कर रहे थे तो लाइट चली गई है। वैसे लाइट आने का टाइम भी हो गया लेकिन लाइट अब तक नहीं है, पता नहीं कब आएगी। तो हमने सोचा कि टॉर्च वगैरह ऑन करके अपना ब्लॉग को पूरा करें, पता नहीं लाइट कब आती है। तो जी हमने यखनी ब्लॉग जो है बनाना स्टार्ट किया, उसका हमने यखनी बना ली है, और जो ये जो गोश्त है इसको हमने गला कर साइड भी कर दिया है। अब हम आ जाते हैं मसाले की तरफ। उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं डालूंगी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी मैं यहाँ 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग दे लें जितना आपको पसंद है, कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं कुछ लोग कम डालते हैं। जिस चीज़ का डर होता है अक्सर वही हो जाता है। आज मैं ये सोची थी कि आज मैं शाम में ब्लॉग बना रही हूँ, हो सकता है कि आज लाइट चली जाए और ना आए तो फिर मैं कैसे ब्लॉग शूट करूँ, और वैसा ही मैं बिल्कुल लाइट चली गई। हालांकि लाइट का आने का टाइम भी हो गया लेकिन लाइट नहीं आ रही। ओके जी ये देखिए घी हमारा गर्म हो गया है यहाँ पर हमारे पास, और इसमें जो है अब हम अपनी बाकी की चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े का यखनी ब्लॉग बनता है ये वाला, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। और जी इसके साथ ही मैंने प्याज जो है प्याजों की कटिंग करके रख दी है, और ये मेरे पास आज टमाटर देखे इतना बड़ा टमाटर कितना लग गया है बाजार ये टमाटर देखिए कितना बड़ा है मेरे पास, इतने बड़े साइज के। तो जी हमारे घी जो है गर्म हो गया है यहाँ पर, और इसमें हम डालेंगे प्याज। तो जी हमने सबसे पहले डाले हैं प्याज भी इसमें डाल देंगे, हम प्याज को हम डालेंगे गर्मी से बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है।
और जी इसके साथ ही हमारी प्याज हैं बिल्कुल लाइट से गोल्डन हो गई हैं, इनका हमने लाइट का कलर चेंज करना था, ज्यादा नहीं करना जी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हमारा यखनी वाला पुलाव जो है तकरीबन रेडी हो गया है। अब मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ, सॉरी लाइट जाने की वजह से मैं आपको पूरी रेसिपी नहीं दिखा पाई। बिस्मिल्लाह हम मान रहे हैं कि देखिए पानी में हमारे बॉईल आ गया है और चावल जो मैंने भिगो के रखे थे ये मैं इसमें डाल दूँगी। चावल हमारे रेडी हैं जी माशाल्लाह से, फाइनली हमारे चावल बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैंने 15 मिनट का इनको दम दिया था, अब हम दम ओपन कर रहे हैं बिस्मिल्लाह। तो जी ये देखिए फाइनली माशाल्लाह से हमारा यखनी वाला पुलाव बिल्कुल बन के तैयार है। और जी अभी मैं इसे चम्मच नहीं चलाऊंगी वरना चावल जो है घूल जाते हैं, तो थोड़ा सा हम इसकी फॉर्म निकलने देंगे, उसके बाद जो है हम। और जी ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे चावल जो है कितने खिले खिले से बने हैं और कितनी प्यारी इनकी इनका जो इनका कलर आया है। तो खुदा की कोई मेहरबानी होती है आप पे, आप पर उसी जिस दिन आपके चावल अच्छे बन जाते हैं। तो जी माशाल्लाह से मेहरान से पूछिए आपको कैसी खुशबू आ रही है। जबरदस्त। ओके जी अब मजीद हम खाकर भी आपको बताते हैं कि कैसे बने। और जी इसके साथ ये कहना चाहती हूँ बहुत गर्मी में बहुत टेंशन में हमने ब्लॉग शूट किया है, आई होप कि आप अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपने जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गाँव में ध्यान रखें, अपने साथ में अल्लाह।